This is Sonu here. You are watching Diploma with Sono. In this video we will discuss about hill roads. In the previous lecture of hill roads, we had already discussed about components of hill roads, type of curves and the formation of hill roads and landslide. In this video we will discuss about the drainage system in hill roads. So drainage system means क्या होता है वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम को कैसे बोला जाएगा और ड्रेनेज स्ट्रक्चर क्या होता है सो so, स्टार्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे वीडियो सो so, यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है यहाँ पे ड्रेनेज ड्रेनेज क्या होता है इट इज द रोड सिस्टम इन बीच सरफेस और सब सरफेस वाटर इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज ऑफ फ्रॉम रोड स्ट्रक्चर टू एनी डिजायर्ड लोकेशन इस नोन एज ड्रेनेज ड्रेनेज क्या है कि एक रोड के जो रोड होता है उसके पर जो पानी आने वाला होता है उसको हम लोग डिस्पोज करते हैं फ्रॉम एनी कंडीशन कोई भी कंडीशन या कोई भी डिजायर लोकेशन तक हम उसको पहुंचा देते हैं उस वाटर पहुँचा देते हैं इसी को बोला जाता है ड्रेनेज तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम देखिए दो टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम होता है सबसे फर्स्ट जो होता है सरफेस ड्रेनेज एंड सेकेंड सब सरफेस ड्रेनेज सरफेस ड्रेनेज मतलब क्या कि जो हम लोग जो सुयल के ऊपर में जो ड्रेन बनाते हैं जो ऐसा ड्रेनेज है, जो सुल जो स्ट्रक्चर जो है उसको ऊपर में रहेगा उसको सरफेस ड्रेन जो जो बिलो वाटर टेबल के सहारे जो ड्रेनेज बनाया जाता है उसको बोला जाता है सब सरफेस ड्रेनेज यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ फिगर को देखते हैं कि देखिए है, सबसे आगे क्या कि जो हील यहाँ पे हील रो हील होगा पहाड़ी होगा उसके बाद में क्या कि यहाँ से जब पानी आएगा तो सबसे अगर रेन वाटर आएगा तो हिल पे आएगा तो हिल से क्या होगा वाटर देखिए धीरे धीरे तो यहाँ आ जाएगा तो इसमें जब ये ड्रेन में जमा होगा उसके बाद में फिर से ये ड्रेन जब फूल होगा तो यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पानी आएगा फिर इस ड्रेन में फूल होगा जिसको साइड ड्रेन बोलेंगे अब साइड ड्रेन के सहारे क्या होगा कि यहाँ पे अंडरग्राउंड अराउंड वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर जो देखिए यहाँ ये रोड स्ट्रक्चर है ये रोड है अब ये रोड के नीचे में कलभट बनाया जाता है ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कल्भट कलभट आप लोग समझ गए होंगे जो रोड के नीचे में स्मॉल ब्रिजेज होता है उसको बोलते हैं कल्भट्ट और कलभट बना हुआ होता है उसके नीचे में बना हुआ होता है सी एल वी ई आर टी कल्भ बना हुआ होता है और कल्भर्ट के नीचे में जो होता है कि होल टाइप में बना हुआ होता है जिसके द्वारा क्या कि वाटर को हम लोग दूसरे साइड रोड का पहुंचा देते हैं उसके बाद में हिल रोड के जरिए वाटर नीचे चला जाता है तो तथा पे आप लोग अच्छा से फिगर समझ गए होंगे कि देखिए कैसे दिया गया है सरफेस वाटर यहाँ पर रोड से भी जो वाटर अगर रोड पर भी जो आएगा तो वो भी ड्रेन के सहारे नीचे के द्वारा देखिए यहाँ पे टू रिवर तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे क्या कि सरफेस ड्रेनेज में कि कैसे हम लोग वाटर को एक लोकेशन तक पहुँचाते हैं जैसे रिवर हो गया ओशियन हो गया अब आगे देखते हैं कि सरफेस ड्रेनेज होता है क्या सरफेस ड्रेनेज को यहाँ पर समझते हैं देखिए सरफेस ड्रेनेज क्या है कि प्रॉपर मैनेज प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट इोशन एंड लैंडस्लाइड्स क्या सरफेस ड्रेनेज हम लोग को किस लिए इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि उसका इरोजन स्वाइल इरोजन को बचा सके और लैंड स्लाइड को होने से रोक सके सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आता है सरफेस ड्रेनेज में वो होता है साइड ड्रेन्स रोड का जो साइड में जो ड्रेन बनाया जाता है उसी को बोला जाता है साइड ड्रेन द ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड टू कैरी रेन वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ कैरी वे एंड ऑल्सो फ्रॉम स्लोपिंग साइड ऑफ हिल ये कहाँ कहाँ इसको बनाया जाता है कि एक तो रोड साइड का जो किनारे में जो रोड साइड का जो साइड में बनाया जाता है उसको साइड ड्रेन बोलेंगे और क्या कि स्लोपिंग साइड ऑफ स्लोपिंग साइड ऑफ हिल जैसे हिल का जो स्लोपिंग साइड होगा वहाँ पे हम लोग बनाते हैं साइड ड्रेन को साइड ड्रेन का यहाँ पे थ्री टाइप है एंगल ड्रेन सौसर ड्रेन एंड कब एंड चैनल ड्रेन तो इसका हम लोग फिगर देखकर समझते हैं कि कैसे एंगल ड्रेन क्या होता है और सौसर ड्रेन क्या होता है अब देखिए एंगल ड्रेन क्या होता है एंगल ड्रेन में यहाँ पे देखिए कि एक स्टोन पिचिंग सबसे आगे किया जाता है यहाँ पे स्टोन पिचिंग ये रहता है यहाँ पे हील रोड रहता है ये रोड रहता है कैरी के बिच जिसको बोला जाता है फिर वैसे ही सौसर ड्रेन में भी है हील रहेगा हील के स्लोपिंग एरिया फिर यहाँ पे स्टोन पिचिंग किया हुआ रहेगा फिर यहाँ पे रोड फिर यहाँ कर्ब एंड चैनल ड्रेन में भी समझिए आप लोग कि यहाँ पे रोड रहेगा फिर यहाँ पे कैरी हील स्लोप रहेगा फिर यहाँ पे स्टोन पिचिंग किया हुआ रहता है जो कि फिफ्टीन सेंटीमीटर ड्राई रहता है और उसके बाद में हम लोग समझते हैं इसके आगे में क्या क्या होता है देखिए जो यहाँ पे आता है ड्रेनेज ऑफ वाटर फ्रॉम हील सबसे आगे आता है ड्रेनेज ऑफ वाटर फ्रॉम हिल इसको हम लोग समझते हैं सरफेस वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द हील से आगे कि क्या जब, से जब, वाटर स्लोपिंग एरिया में जब आएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि ये एक प्रॉब्लम होता है कि जैसे अगर से जब वाटर जाएगा देखिए जैसे हिल एरिया यहाँ पे है और जब वाटर जा रहा है ये रोडवे के पास में तो अगर डायरेक्ट रोडवे के पास में अगर वाटर पर चला जाता है तो रोडवे हम हम लोग का क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा उस पर बैड इफेक्ट आ जाएगा का वहाँ पे संभावना हो सकता है तो इसके बाद में देखते हैं सीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज अलोंग डेवरीज फ्रॉम द हिल स्लोप्स ड्यूरिंग हैवियर स्टॉम्स अ कैच इज़ जनरली प्रोवाइडेड टू कैच द वाटर इन द मिडिल ऑफ द स्लोप यहाँ पे कैच ड्रेन का प्रोवाइड किया जाता है जैसे ये देखिए कैच ड्रेन है मिडिल ऑफ स्लोप में कैच ड्रेन को हम लोग बनाते हैं और उसके बाद में क्या बोलता है वाटर इंटरसेप्टेड इन कैच ड्रेन एंड देन डिलीवर्ड इनटू स्लोपिंग ड्रेंस एंड कैरी टू द नियरेस्ट वाटर कोर्स ऑफ द कार्बेट देखिए सबसे आगे यहाँ पे क्या है कि जैसे हिल होगा हिल के द्वारा जो स्लोपिंग एरिया से जो वाटर होगा उसको यहाँ पे कैच ड्रेन्स में पहुँचा दिया जाएगा फिर कैच ड्रेन के जो सहारे स्लोपिंग ड्रेन में वाटर को पहुंचाया जाता है इसके बाद में जो रोड साइड के नीचे जो कल्वट बनाया जाता है कल्भट के सहारे इसको रिवर तक पहुंचा दिया जाता है इसी प्रोसेस जो है इसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे ये प्लान था रोड हिल रोड्स का अब इसके आगे देखते हैं कि वाटर वाटर इंटरसेप्टेड इन ईच वाटर ड्रेंस आर देन रिवर्ड डिली डाइवर्टेड बाई स्लोपिंग ड्रेंस एंड कैरीड टू द नियरेस्ट वाटर कॉस ऑफ द करवेट्स दिस फिगर अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिगर से समझते हैं कि कैसे ये देखिए प्लान था ऊपर वाला यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका साइड से कि क्या सबसे फर्स्ट जो होता है हम लोग इस फिगर को देख चुके हैं लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं सबसे फर्स्ट जो होता है हील होता है हील से जब वाटर आता है तो उसको कैच ड्रेन में लिया जाता है कैच ड्रेन के बाद में स्लोपिंग ड्रेन के सहारे उसको क्रॉस ड्रेनेज तक पहुँचाया जाता है फिर क्रॉस ड्रेनेज के माध्यम से उसको कल्वर्ट्स रोड के जो नीचे जो कल्भट बनाया जाता है उसके द्वारा हम लोग उसको रिवर तक वाटर को पहुँचा देते हैं तो ये जो पूरा जो प्रोसेस हुआ इसी जो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज सरफेस ड्रेनेज के इसको नाम से जानते हैं तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि सरफेस ड्रेनेज क्या होता है अब देखिए यहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज क्रॉस ड्रेनेज क्या होता है क्या क्रॉस ड्रेनेज इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड इन हिल रोड हमेशा हिल रोड में क्रॉस ड्रेनेज का हमको वहाँ पे यूज किया करना पड़ता है द ड्रेनेज मस्ट बी टेकन अंडर द राउंड एज फार पॉसिबल एट द हेड्स ऑफ द स्मॉल क्रॉस ड्रेन्स कैच पीट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू कलेक्ट डेवरीज एंड टू प्रिवेंट स्कोरिंग देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग का जो हील रोड्स होता है हील जो होता है उसके बाद में जब रोड का हम लोग अगर बनाते हैं जैसे ये रोड है तो अगर हिल इस स्ट्रक्चर में रहा तो वाटर डायरेक्ट रोड तक पहुंच सकता है तो इसी के लिए वहाँ पे क्या करता है कि वहाँ पे हम लोग क्रॉस ड्रेनेज को बनाते हैं क्रॉस ड्रेनेज बोलने का मतलब क्या कि क्रॉस ड्रेनेज क्या होता है कि वहाँ पे जब हिल से जब वाटर आएगा तो रोडवे के जो सहारे रोड के एज जो होगा इसके बगल में ही क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण किया जाता है मैन्युफैक्चर किया जाता है इसके सहारे क्या जब क्रॉस ड्रेनेज तक वाटर पहुंचा दिया जाएगा तो कल्भट के सहारे रोड के अदर साइड तक पहुंचाया जाता है उसके बाद में क्या कि उसको रिवर तक पहुंचा दिया जाता है तो ये क्रॉस ड्रेनेज का यहाँ पे स्ट्रक्चर था आप लोग समझ गए होंगे अब इसके आगे देखते हैं कि सरफेस सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है सब सरफेस ड्रेनेज लास्ट पॉइंट है ड्रेनेज स्ट्रक्चर का सीपेज फ्लो इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन हिल रोड्स ग्राउंड वाटर में सीप अक्रॉस हिल साइड एब और बिलो द रोड लेवल डिपेंडिंग अपॉन सेवरल फैक्टर्स सच एज नेचर एंड डेफ ऑफ हार्ट स्टार्टम इट्स इनकलेशन द क्वान्टिटी ऑफ ग्राउंड वाटर सब सरफेस सब सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल में भी डन बाई मेथड्स ऑफ प्रिवियस जैसे सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है कि सब सरफेस मतलब क्या कि स्वाइल के नीचे वाटर टेबल के सहारे अगर जब हील जो जैसे देखिए यहाँ पे स्लोपिंग एरिया ऑफ हिल है जब वाटर इस पर से गुजरेगा तो यहाँ से सीपेज भी हो सकता है वाटर का वाटर यहाँ पे ऑब्जॉर्ब भी हो सकता है और जो वाटर जो ऑब्जॉर्ब होगा वो वाटर टेबल के सहारे हम लोग को डायरेक्ट रिवर फ्लो तक पहुंच जाएगा तो ये सब सरफेस ड्रेनेज में आता है तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि सरफेस ड्रेनेज क्या होता है और सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है रोड तो से यहीं पर समाप्त होता है हिल रोड्स में हम लोग पूरे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि क्या क्या एक बार देखते हैं देखिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट था हिल रोड्स में हम लोग हिल रोड्स के बारे में जाने कि हिल रोड्स होता है आखिर क्या और उसके बाद में उस कंपोनेंट्स ऑफ हिल रोड्स को देखे थे फिर था कि कंपोनेंट्स ऑफ हिल रोड्स के बाद फॉर्मेशन ऑफ हिल रोड कि हिल रोड कैसे बनता है फिर हिल रोड क्रब्स के बारे में देखे थे कि हिल रोड क्रब्स कितने प्रकार का होता है जैसे हेयर पिन कब स्लैंड और री इंट्रेंट कब और लैंडस्लाइड के बारे में जाने थे टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड के बारे में जाने थे और प्रिवेंशन ऑफ लैंडस्लाइड के बारे में हम लोग देख चुके हैं फिर ड्रेनेज इन हिल रोड्स के आज देखें तो इस वीडियो में ड्रेनेज इन हिल रोड ही सबसे लास्ट पॉइंट था हिल रोड का हिल रोड जो हम लोग का जो सिलेबस है जो सेमेस्टर एग्जाम में सिक्स मार्क्स का आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग अच्छे से इसको स्टडी कीजिएगा तो इस वीडियो में यहाँ तक ही थैंक यू लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को डिप्लोमा विद सोनू